नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर हैं और यहाँ अब रात के एक बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। डेढ़ के आसपास का टाइम हुआ है रात के। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो बैरिकेड्स हैं, ये वो बॉर्डर हैं जो हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर माना जाता है। इस बॉर्डर के एक तरफ हरियाणा है और दूसरी तरफ दिल्ली है। ये बात मैं आपको ऐसे प्रूफ कराऊंगा कि किस तरफ हरियाणा है और कैसे दिल्ली है। ये जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, इस बैरिकेड के ऊपर लिखा है दिल्ली पुलिस। और अब ठीक में ये जो बैरिकेड लगे हुए हैं और जो मिट्टी की तीन जो बड़ी गाड़ियां डंफर है वो खड़े हुए हैं, और मैं दिखा दूँ कि बैरिकेड कितने स्तर की है और किस किस तरह की है। ये देख सकते हैं आप, भारी बैरिकेड हैं ये। और ये पोस्टर देख सकते हैं आप, ये हरियाणा पुलिस का है। और यहाँ ये हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेड है, और वो जो हमने दिखा था वो दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है। तो यहाँ हरियाणा और दिल्ली दोनों का ये बॉर्डर है। इसके एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ दिल्ली है। आप देख सकते हैं कि जो हमने जो बैरिकेड दिखाए हैं उनके अंदर एक हरियाणा से है और एक दिल्ली से है। तो ये वो बॉर्डर है। इस बॉर्डर से कुछ किसान आगे भी चले गए थे, लेकिन वो आगे ही डटे हुए हैं। वहाँ पर उनका कुछ मीटर दूर आगे उनका भी एक छोटा अलग से धरना चल रहा है। और इससे 500 मीटर आगे हरियाणा की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं कटिया, इस तरफ हरियाणा है। और हरियाणा की तरफ ठीक यहाँ से 500 मीटर दूर जो बड़ा प्रदर्शन है जो सिंगू बॉर्डर का, वो है। तो अब जो तस्वीर 9 तारीख है और अब तस्वीर कुछ पहले से बदल रही है। धरना प्रदर्शन के अंदर जो पंडाल है अब उसकी तस्वीरें भी बदल रही है। और ये जो बैरिकेड आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया है कि कभी ऐसे बैरिकेड लगे थे कि इतना इंतजाम करना पड़ा था सरकार को, इतने किसान आ गया था रोडों पर। रात को अंधेरे में फोरेस्ट भी डटी हुई है। ये पुलिस की कुछ गाड़ियां हैं जो वाटर कैनन की, और जो पुलिस की सुरक्षा होती है, पुलिस का साजो सामान होता है। ये जो गाड़ियां दिख रही हैं, इन गाड़ियों के ठीक पीछे भी एक अलग से छोटा बैरिकेड बना रखा है। सड़क पर कई स्तर के बैरिकेड बना रखे सरकार ने। ये जो हमने तस्वीरें दिखाई है, ये जो हरियाणा, एक तरफ हरियाणा और एक तरफ दिल्ली है। ये जो बैरिकेड, ये सबसे बड़ा बैरिकेड यही है कि यहाँ पर जो तीन मिट्टी के बड़े डंफर खड़े हैं, और उसके बाद में जो हरियाणा की जो वो है वो लगी हुई हैं, जो पुलिस के बैरिकेड हैं वो लगे हुए हैं। इसके बाद में जो पत्थर हैं उनका बैरिकेड है, उसके बाद में जो पुलिस की जो वो लगी हुई है, और उसके बाद में जो आपको ठीक जो गाड़ियां दिख रही हैं वहाँ बैरिकेड लगा हुआ, उसके आगे उसके कम से कम 200 मीटर आगे एक और धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है। और उससे आगे जो दिल्ली का बड़ा रोड है जो पूरे भारत में जाता है। तो आप दोस्तों लगातार देख सकते हैं कई स्तर की बैरिकेड है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 9 तारीख हो चुकी है, किसानों ने अल्टी ये कहा था कि अब वो अब बार बार वार्ता नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ निर्णय पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन देखते हैं कि 9 तारीख को क्या कुछ रहता है। तस्वीरें बदल चुकी है, पहले से पंडाल की तस्वीरें बदल चुकी है, और जो लोग हैं जो लगातार हैं वो किसानों की संख्या बढ़ रही है। और ये जो आप देख रहे हैं कि आज जो पंजाबी कलाकार है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसे कि कलाकारों के हम बताएं कि मनकीर्त औलख, और जो फिल्मी कलाकार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे।
क्या नाम एमी विर्क, जो बॉलीवुड का कलाकार है, बहुत सारी फिल्मों में काम करते हैं, गानों में काम करते हैं। अब वो भी थोड़ी देर पहले यहीं पर थे। तो सर यहाँ लगभग सभी कलाकार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो भी कल आएंगे यहाँ। देखते हैं कल कौन कौन से और कलाकार आते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी और तस्वीर दिखा दूँ मैं, जो एक छोटा सा, ये जो हरियाणा पंजाब हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।